गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 12th हिस्ट्री में जो फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट है वो करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था हड़प्पा सभ्यता की कैसे अस्तित्व में आई, उसका हड़प्पा नाम क्यों रखा गया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे। और आज हम सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें आगे के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों देखो, हम छोटी वीडियो बनाएंगे, मतलब एक वीडियो में केवल दो या तीन ही क्वेश्चन को करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो होने के जब लंबी वीडियो जाती है तो वो सेंड नहीं हो पाती है, जिससे आपका वर्क रुक जाता है। तो हम केवल एक वीडियो में दो या तीन क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है आपके पास एक दिन में दो वीडियो भी आ जाए, वो सर देख लेंगे। आप केवल अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, जो भी आपको काम करवाया जाए वो टाइम से कर लीजिएगा। अब इस फर्स्ट लेसन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उसमें विशेष थे जो हड़प्पा सभ्यता को एक अनोखी सभ्यता बनाते हैं। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमें शख्स मिले हैं, हम केवल उन्हीं के आधार पर ही उसका जो नगर नियोजन था उसके बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लिपि है उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो केवल हमें जो वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, केवल उन्हीं के आधार पर वह कैसी थी, क्या थे वहाँ के लोग, कैसे थे, किस प्रकार रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, तो जो भी साक्ष्य मिले हैं केवल उन्हीं के ही बेस पे हम ये बताएंगे कि वहाँ के लोग कैसे थे। तो इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो उसकी विशेषताओं के पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, मैं पॉइंट्स केवल पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको डिफाइन खुद करेंगे, हम आपको समझा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नगर। जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वह बड़े ही सुयोजित ढंग से बसाए गए थे, ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दोनों नगरों को देखने से पता चलता है कि इन दोनों नगरों की नगर योजना एक समान थी। और जो यहाँ पे जो नगरों की सुरक्षा के लिए चारों ओर दीवारें बनाई हुई थी, और जो नगरों में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ये सड़कें सीधी थी पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। मोहनजोदड़ो में जो एक सड़क मुख्य सड़क जो मिली है वह 33, उसकी चौड़ाई 33 फीट है, और जो सामान्य सड़कें हैं उस वह 18 से 20 फुट की हैं। और यह समकोण जो ये सड़कें हैं वो समकोण बनाने का इसका मुख्य कारण ये था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। अब सड़कें सीधी समकोण पर काटती थी तो जैसे तेज हवा चलने पर वह कूड़ा करकट को एक जो कूड़ा तेज हवा चलने पर जो कूड़ा होता था वो साफ हो जाता था। और इसके अलावा है कि जो ये जो सड़कें समकोण पर बनाने का है, दूसरा कारण ये माना है कि जो अलग अलग नगर मतलब जो एक नगर था वह अलग अलग भागों में बढ़ जाता था, और जिसे एक तरफ धनी वर्ग रहते थे और दूसरी तरफ साधारण वर्ग रहते थे। जो धनी वर्ग लोगों का जो मतलब एरिया था वहाँ पे दो या तीन मंजिलों वाला मकान मिलते हैं, और जो साधारण वर्ग के लोग रहा करते थे वहाँ के साधारण मकान मिले हैं। तो मकान को जो नगर नियोजन था उसको देख के पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वहाँ दो दो वर्ग के लोग रहते थे, एक उच्च वर्ग के लोग और एक साधारण वर्ग के लोग। दूसरा पॉइंट है हमारा भवन। जो विभिन्न स्थानों की खुदाई से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे हम जो वहाँ की जो भवन निर्माण योजना थी वह बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पे पक्की ईंटों से वहाँ पे घर बनाए जाते थे, कहीं कहीं पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर मकान पक्की ईंटों के ही बने हैं। अब जो वहाँ की जो ईंटें थे वह आज की जो ईंटें हैं उससे भी काफ़ी मजबूत और अच्छी थी। और ये मकान जो वहाँ पे मकान बनाए जाते थे वह पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, और जो उनकी नींव थी वह टूटी फूटी ईंटों से भरी जाती थी। दीवार को बनाने के लिए मिट्टी, गारे और चूने का प्रयोग किया जाता था। मकानों को मजबूती दिलाने के लिए दीवारों पर प्लास्टर भी किया जाता था। और मकान में एक चौड़ा आंगन, रसोई, स्नानागार और एक कुआं होता था। मकान दो या तीन मंजिल के भी मिले हैं, और मंजिलों पर चढ़ने के लिए वहाँ पे सीढ़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। और दूसरा है कि जो छतों का जो पानी मतलब छतों का पानी निकालने के लिए वहाँ पर जो लकड़ी के परनाले या पाइप लगाते थे जिससे वहाँ का पानी बाहर निकल सके। और दूसरा है कि जो मकानों का गंदा पानी निकालने के लिए प्रत्येक घर में
प्रत्येक घर में वो नालियाँ बनाई गई होती थी, और हवा और रोशनी का भी वो लोग पूरा ध्यान रखते थे। हवा और रोशनी के लिए रोशनदान और दरवाज़ा प्रत्येक घर में बनाया जाता था, खिड़कियाँ भी लगाई जाती थी। और मुख्य विशेषता बताई गई है कि जो घरों के जो खिड़की और दरवाजे थे वह मुख्य सड़क पर ना खुलकर अंदर की तरफ खुलते थे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक हमें विशाल स्नानागार भी मिला है, जो बहुत ही मतलब जो इस हड़प्पा सभ्यता में है वो उसकी एक प्रमुख विशेषता है। हमारे जो स्नानागार है वह तो ये स्नानागार बहुत ही लंबा चौड़ा था। उसका जो भावरी आवरण है उसको लंबाई 180 फीट है और 108 फीट वह चौड़ा है। और इसके बीच में एक तालाब है। तालाब पक्की ईंटों से बनाया गया होता था और तालाब में के अंदर वह बहुत उसकी लंबाई 33 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट थी। अब 8 फीट गहरा था तो उसमें सीढ़ी नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई होती थी। और जल वहाँ पे एक कुआँ भी मिला है, और जो तालाब था उसमें पानी भरने के लिए और गंदा पानी निकाल साफ पानी भरने के लिए और गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का प्रयोग किया गया था। और जो विशाल स्नानागार है इसके पास कुछ कमरे भी मिले हैं, तो अनुमान लगाया जाता है कि यह स्नानागार कुछ विशेष त्योहारों पर सार्वजनिक मतलब सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर नहाते थे और इन कमरों में अपने कपड़े वगैरह बदलते थे। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में हमें एक विशाल स्नानागार भी मिला है, और यह 100 गज लंबा और 25 फुट चौड़ा है। और इसके दोनों इस और इसके मार्ग में दोनों दो पंक्तियों में कुछ मकान कमरे बनाए गए हैं, और यह कमरे ऊंचाई पर बनाए गए हैं। तो ये इनको देख के ये लगता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह हड़प्पा सभ्यता की जो भूमि थी वह बहुत ही उपजाऊ थी, और अपना जो जो भी मतलब जो फालतू अनाज होता था जो मतलब बच जाता था खाने मतलब खाने के बाद जो भी लगता था मतलब एक साल में और उस जो ज़्यादा होता था वह सब उस अनानागार में रख दिया जाता था ताकि मुसीबत के दिनों में वह काम आ सके। अगला पॉइंट है हमारा सड़कें। तो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो सड़कें मिली हैं वह बहुत ही अच्छी प्रकार की मिली है। सड़कें पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की हमें सड़कें मिली है, और सड़कें हैं जो समकोण एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ये जो सड़कें थी वो नगर को अनेक खंडों में विभाजित करती थी। आप देख सकते हैं जैसे एक सड़क ऐसे जा रही है तो वो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 जो है अलग अलग पार्ट्स हो गई, इन पार्ट्स में अलग अलग जो नगर था वह अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता था। तो सड़कें वहाँ पे बहुत ही अच्छी मिली हैं, पक्की ईंटों की मिली हैं। जल निकासी व्यवस्था जो वहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी वह बहुत ही अच्छी थी। प्रत्येक घर में स्नानागार होता था, और घर का गंदा पानी निकालने के लिए प्रत्येक घर में नालियाँ बनाई गई होती थी। ये नालियाँ सड़क या सड़कों की नालियों में जाके घर की नालियाँ सड़कों की नालियों में जाके गिरती थी और नालियों में जाके गिरते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह सफाई पर पूरा ध्यान देते थे, और सड़कों और गलियों दोनों दो सड़कों और गलियों के दोनों दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई होती थी, और प्रत्येक प्रत्येक घर की छोटी नाली जो सड़क और गलियों की नालियां थी उसमें गिरती थी। और ये जो नालियाँ थी उसमें 9 इंच से 12 इंच की चौड़ी होती थी, 1 फीट गहरी होती थी, और दोनों और नाली सड़कों और गलियों दोनों सड़कें और जो गलियाँ होती थी उनके दोनों तरफ ही नालियाँ होती थी, और यह खुली हुई और ढकी हुई दोनों प्रकार की होती थी। ढकी हुई नालियों को पत्थर या ईंटों से ढका जाता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे हटाया जा सके। और एक जो नालियाँ थी वह जो गली और सड़कों की नालियाँ मतलब घरों की नालियाँ तो सड़कों की नालियों में जाके गिरती थी, और जो सड़कें थी उसकी नाली शहर के मुख्य नाले में जाके गिरती थी। हमें जो वापी अवशेष मिले हैं वो जो बड़ा नाला था वह 5 फीट गहरा और 2.5 मीटर तक चौड़ा होता था, और जो ये जो शहर की जो बड़ी नाली थी वह बाहर जाके किसी बड़े नाले या नदी में जाके गिरती थी। और हर घर में नालियाँ होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह विशाल
जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह सफाई पर विशेष ध्यान देते थे और वहाँ की जो नगर व्यवस्था थी वह बहुत ही अच्छी थी। अगला पॉइंट है बाजार। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई में खुदाई की है तो उसके एक सड़क के दोनों ओर हमें कुछ छोटे छोटे कमरे मिले हैं जिससे अनुमान इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जो वहाँ पे जो छोटी दुकानें थी वहाँ पे प्रतिदिन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का को बेचा जाता होगा। इसके पास कुछ बड़े गोदाम भी मिले हैं तो इससे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो छोटी दुकानें मतलब जो छोटे छोटे जो कमरे थे वह दुकानें थी अब एक बाजार के रूप में कार्य करते थे। तो बच्चों यह वीडियो यहीं तक ही, अगले में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।